प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक के रिलेटेड काम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम ओपन करेंगे अपना ब्लू जावा का विंडो। ओके, तो ये जो पहले के प्रोग्राम बने हुए हैं उसको साइड में कर देते हैं। हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, माय प्रोग्राम वन। मैं सिंपल सा नाम दे रही हूँ अभी, तो मैंने यहाँ पे दे दिया माय प्रोग्राम वन। उसको हम ओपन करेंगे। ये नॉट रिस्पोंडिंग लिख देता है बिना वजह से। तो रुकिए, इसकी विंडो थोड़ी बड़ी कर देंगे और ये कमेंट्स को मैं कट कर रही हूँ। अभी आप देख रहे हो ऑलरेडी हमारे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है। खैर, हम वो सब हटा देते हैं। मैं यहाँ पे प्राइवेट इंटीजर सिंपल वेरिएबल के नाम ले लेती हूँ नम वन, और उसमें 10 असाइन कर देते हैं पहले से। ओके, ताकि इनपुट करने का काम हमारा कम हो जाएगा। प्रोटेक्टेड इंटीजर नम टू, और उसमें मैंने 20 असाइन कर दिया। और एक वेरिएबल के पहले हमने लिखा पब्लिक इंटीजर नम थ्री, और उसमें हमने 30 लिख दिया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही एक फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक वॉइड शो। ओके, हम यहाँ पे शो में भी वन लगा देते हैं। वो इसलिए मैंने वन लगाया कि हम एक से ज्यादा प्रोग्राम बनाने वाले हैं, वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ओके, माई प्रोग्राम वन डाटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, तो ये प्राइवेट वेरिएबल है। मैं आगे वेरिएबल का टाइप मतलब विजिबिलिटी इसलिए लिख रही हूँ कि आपको ध्यान में रहेगा कि कौन सा नंबर प्रिंट हो रहा है और कौन सा नंबर आउटपुट में नहीं प्रिंट हो रहा है। ओके, सो हमने यहाँ पे प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक तीनों को हम प्रिंट करवा देंगे। सो ये नम टू नम थ्री नम टू नम टू हमारा प्रोटेक्टेड है और नम थ्री पब्लिक है। सो एकदम एक मिनट, प्रोग्राम वापस ओपन करती हूँ। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास एक क्लास है। क्लास के अंदर हमने तीन टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ओके, और तीनों को हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ओके, जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे क्या लगता है, तीनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी नहीं होगी? आपको जो लगता है वो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर तीनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी तो यस, अदरवाइज नो, नहीं है। अभी ये जो क्लास है, क्लास का नाम मैंने माय प्रोग्राम वन लिखा है, तो उसकी जगह पे आप उसको समझ लो माय होम। माय होम मतलब सब लोग अपने अपने घर के बारे में सोचेंगे। अभी कौन से एग्जीक्यूट होंगे और कौन से एग्जीक्यूट नहीं होंगे उसका रीजन हमको डिस्कस करना है। तो अभी जो मैं पूछती हूँ उसके रिलेटेड आप मुझे फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करोगे, वेट नहीं करने का। जैसे मेरा क्वेश्चन आता है कि आपका हाथ चैट बॉक्स पे मतलब कीबोर्ड पे होना चाहिए, फटाफट टाइप करना। तो मेरा यहाँ पे कहना ये है कि ये जो माय प्रोग्राम वन है, वो माय प्रोग्राम वन अपना घर है। मतलब कि आप अपने अपने घर में हो अभी ऑब्वियसली, ठीक है, और ये आपके घर के अलग अलग सेक्शन है। आपके घर के अंदर ऑब्वियसली रूम है ना, बेडरूम, किचन, हॉल, वॉशरूम, ओके, व्हाटएवर। ये आपका घर है, माय होम, दैट इज माय प्रोग्राम इज माय होम। अब आप अपने घर का, ओके, रिमेम्बर, आप अपने खुद के घर का कौन सा एरिया यूज नहीं कर सकते हो? चलो
ऐसा कोई एरिया है तो लिखो, नहीं है अगर सभी यूज कर सकते हो तो लिखो ऑल आई कैन एक्सेस, जो भी रूम में जाना चाहे उस रूम में जा सकते हैं। हमको ऐसा अलाउड नहीं है कि हम ये रूम में एंटर नहीं हो सकते हैं। सो रिमेम्बर, अगर माई प्रोग्राम वन आपका घर है तो आप अपने घर की हर एक वस्तु एक्सेस कर सकते हो। तो वी कैन एक्सेस प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक ऑल नंबर्स। सो आउटपुट में तीनों नंबर प्रिंट होंगे। तो पहले तो हम देखो कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। तब हम ऑब्जेक्ट बना के चेक कर लेंगे जल्दी से। अभी हमने शो वन फंक्शन को कॉल किया तो तीनों वैल्यू प्रिंट हुई है। नम वन भी प्रिंट हुआ है, नम टू भी हुआ है, नम थ्री भी हुआ है, बिकॉज नम वन, नम टू, नम थ्री माई प्रोग्राम वन क्लास के मेंबर है। हम अपने घर की हर एक वस्तु एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने घर के किचन में जा सकते हैं, बेडरूम में जा सकते हैं, हॉल में जा सकते हैं, गैलरी है तो वहां पे जा सकते हैं। ओके, सो आप अपने घर के कोई भी रूम में मूव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, यस और नो वो लिखिए। इचिका, यस, ओके। सेम वे माय प्रोग्राम वन एक क्लास है, वो क्लास में एक प्राइवेट वेरिएबल है, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, एक पब्लिक वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। अभी हम घर के साथ अपने क्लास को कंपेयर करते हैं। तो अपने घर का जो हॉल है वो पब्लिक सेक्शन हुआ। ओके, अपने घर का हॉल द पब्लिक सेक्शन। अपने घर का किचन वाला एरिया है उसको हम प्रोटेक्टेड कहेंगे। अपने ही घर का बेडरूम या जो आपका रूम है वो प्राइवेट एरिया हुआ। ओके, चाहे पेरेंट्स का बेडरूम हो या आपका बेडरूम हो, आपके कजिन्स या भाई बहनों के, अगर आपका घर बड़ा है तो बहुत लोगों के पास अपने अपने सबके सेपरेट बेडरूम होते हैं, वो भी हो तो भी वो हम वहां पे एंटर हो सकते हैं, एंटर हुए। ओके, सो हम एक दूसरे के रूम में एंटर हो सकते हैं। तो क्या हुआ, अपने घर के जो भी रूम में हमको जाना है हम जा सकते हैं। ओके, बिना काम के तो नहीं जाएंगे ना, काम है तो ही जाते हैं ना। तो हम अपने घर का हर एक एरिया एक्सेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा क्लास बनाएंगे। वो दूसरे क्लास के अंदर ये माय प्रोग्राम वन के वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, और एक क्लास बनाना है और उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम हम शो टू दे देंगे और उसमें हम माय प्रोग्राम वन जो क्लास है उसके वेरिएबल को यूज करना है हमको। अब वो कैसे करेंगे वो मैं सिखाती हूँ, पहले ये वाले क्लास को क्लोज करेंगे। अब हम नया क्लास बनाते हैं। तो माय प्रोग्राम टू बनाया मैंने, उसको इसी के बाजू में रख देते हैं। ये पहले वाला सब कट कर देंगे। ये हमारा है माय प्रोग्राम टू बना रही हूँ। ओके, ऑब्वियसली अभी हमको तीनों पे एरर आ रही है, उसके पीछे रीजन है हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए हैं। दूसरा चीज, मुझे ये क्लास में वेरिएबल डिक्लेयर भी नहीं करना है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो पहला वाला प्रोग्राम था माय प्रोग्राम वन, उसका एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक मिनट, माय प्रोग्राम वन, हमने क्या किया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम दूसरे क्लास में बना सकते हैं। जैसे आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, एग्जैक्ट वैसे ही। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल का नाम। ओके, सो आप देखिए हमको नम वन पे एरर आ रही है। नम वन पे जो एरर आ रही है उसमें लिखा है नम वन हैज प्राइवेट एक्सेस इन माय प्रोग्राम वन।
क्या हुआ यहाँ पे, ये जो एक क्लास है उसका जो प्राइवेट वेरिएबल है वो दूसरे क्लास में अवेलेबल नहीं होगा, ओके? प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस होता है, ओके? तो हम ये वाली लाइन को यहाँ पे कमेंट कर देंगे, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। और अब हम यहाँ पे माई प्रोग्राम टू को रन करेंगे। देखिए मैं माई प्रोग्राम टू का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे शो टू कर देते हैं, ओके? तो वो दो फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है, हर एक के अपने अपने फंक्शन है। अब हमने यहाँ पे प्रोग्राम टू का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें हम शो टू को कॉल करते हैं। तो आप देखिए प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक एक्सेस करने को मिला। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ यहाँ पे हमारे पास, एक क्लास के वेरिएबल्स एंड फंक्शंस जो प्राइवेट है वो दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं होंगे। प्राइवेट का मतलब हुआ कि वो मेरे खुद के है, मेरे अकेले के है, मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। जैसे हम एकदम सिंपल एग्जांपल ले तो एटीएम कार्ड का पिन नंबर है या उसके ऊपर के जो नंबर होते हैं एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर के नंबर है ना, इन्फॉर्मेशन है वो, मेरे सर्टिफिकेट से, मेरी मार्कशीट से, वो मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। मेरे पासवर्ड से वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे खुद के है और वो मेरे पास ही रहने चाहिए। सो ये सब इंफॉर्मेशन क्या हुई, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, वो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्लियर हुआ। दूसरा है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि जिसके साथ हम सिक्योरिटी फील करते हैं ना, आई फील प्रोटेक्शन, तो उनको मैं अपना डाटा दे रही हूँ। जैसे मैं अपनी बुक्स स्टूडेंट को दे रही हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप अपनी बुक्स शेयर करते हो, आप अपनी नोटबुक शेयर करते हो, आप अपना होमवर्क शेयर करते हो, वर्कशीट सॉल्व की है तो वो शेयर करते हो, है ना? आपको जो कंफर्टेबल लगता है कि हाँ ये वस्तु मैं सामने वाले को दे सकता हूँ, तो उसको हम प्रोटेक्टेड कहेंगे, ओके? पर ये चीजें हम किसके साथ शेयर करते हैं, जिसको हम जानते हैं। हम अननोन पर्सन के साथ प्रोटेक्टेड वैल्यू शेयर नहीं करेंगे। और पब्लिक का मतलब होता है कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, हम अननोन पर्सन के साथ भी शेयर करते हैं। सो जो डाटा सबसे कम सिक्योरिटी के हिसाब से है उसको हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। अगर हमको थोड़ी हायर लेवल की सिक्योरिटी चाहिए हम उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं, एकदम स्ट्रांग लेवल की सिक्योरिटी चाहिए हम वो वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, ओके? तो ज्यादा करके हमारे मैक्सिमम डाटा प्राइवेट होते हैं, ओके? जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर हमारा जो भी डाटा है वो एक तरीके से प्राइवेट ही है, इवन अपना एड्रेस भी प्राइवेट है। जस्ट आप खाली पेरेंट्स को पूछना कि अगर हमको अपने घर का एड्रेस चेंज करवाना है बैंक के अंदर, जस्ट आप एज्यूम करो कि आप ए घर में रहते थे, अभी आप बी घर में शिफ्ट हुए, अभी आपको बैंक को ये चीज इन्फॉर्म करनी है, ओके? आप खुद का एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हो, उसके लिए प्रोसीजर करनी पड़ेगी, ओके? ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आपने खोल दिया, टाइप कर दिया और चेंज हो गया, नहीं। आपको पूरे एड्रेस के वेरिफिकेशन डाटा, वैलिड डाटा बैंक को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बैंक का कोई एक एम्प्लॉई है वो चेंज करेगा। सो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा डाटा प्राइवेट है, ओके? क्लियर हुआ? अच्छा, पर्सन को आप दे सकते हो, आप अपनी कौन सी प्रॉपर्टी अननोन पर्सन को दे सकते हैं, जल्दी से चैट में, जैसे कि सिंपल पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, है ना, हम किसी और के साथ शेयर करते हैं, ये पर्सन हमारे लिए अननोन होते हैं। जैसे कि सपोज कोई एक जगह पे आप गए हो और सामने वाले ने आपसे पेन मांगा, हम देते हैं, ओके? किसी ने पानी मांगा, हम देते हैं, नहीं देते हो तो बुरी बात है वो। ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, क्या समझा? जो प्रॉपर्टी हम अननोन को दे सकते हैं वो पब्लिक हो गई। अभी प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में कितना सा फर्क है, एकदम छोटू सा, ध्यान से सुनो। प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ एंड सिर्फ आप अकेले यूज करोगे, और प्रोटेक्टेड हम अपने पहचान के लोगों के साथ शेयर करेंगे। कहा मैंने, प्राइवेट प्रॉपर्टी मैं सिर्फ अकेले यूज करूंगी, ओके? मेरी प्रॉपर्टी है,
और प्रोटेक्टेड हम अपने पहचान के लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो पहचान के लोग में आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, ओके, जिसको आप जानते हो कि हाँ भाई हम इसको, मेरी ये प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप किसी और को दे सकते हो जो आपके पहचान में है? यहाँ पे नोटबुक्स ऑब्वियसली हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, टेक्स्ट बुक शेयर करते हैं, बराबर है। फोन हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास खुद का फोन है तो, बराबर। घर के मेंबर के साथ हम फोन शेयर करते हैं क्योंकि कोई भी आके मांगता है ना फोन करना है, अरे दिखा तो, है नो प्रॉब्लम, फोन शेयर करते हैं। कपड़े हम शेयर करते हैं अगर आपके कजिन्स आपकी ही साइज के है तो, हमने उसका टी शर्ट पहन लिया, वो हमारा टी शर्ट पहन लेता है, लाइक दिस। कपड़े भी शेयर करते हैं, कुछ कुछ लोगों के तो जूते भी शेयर हो जाते हैं। अभी ध्रुव के घर में तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है, हो सकता है किसी ने आपका शूज पहन के चला गया, वो भी हो जाता है शेयर। ओके, चलेगा आरडीएक्स डाल के दिया तो भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, शूज है जो हमारे घर के और मेंबर आपके, स्लीपर्स, फ्लोटर्स, फ्लोटर्स भी तो बहुत लोग पहन लेते हैं घर के एक दूसरे के। ये सब प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो मैंने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर ली थी कि एटीएम कार्ड का नंबर, नेट बैंकिंग, फेसबुक, ये सब चीजों के जो पासवर्ड्स होते हैं, और खास करके मनी के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सभी डाटा आपके प्राइवेट होने चाहिए। एटीएम, क्रेडिट कार्ड वगैरह के पिन नंबर और उसके ऊपर की जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन होती है वो, नेट बैंकिंग के पासवर्ड, यूजर आईडीज, ये सब चीजें प्राइवेट होनी चाहिए, बराबर। उसके सिवाय जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं तो वो हम घर में एकदम संभाल के रखते हैं, उसको न्यूज़पेपर के साथ बाहर नहीं रखते हैं, ये भी प्राइवेट हो गया एक तरीके से। तो ये सब डाटा आपके प्राइवेट, हम कोई और यूज करे तो किसी और के लिए फोन प्रोटेक्टेड हो सकता है, किसी और के लिए फोन प्राइवेट भी हो सकता है क्योंकि वो उस फोन का मालिक है, उसको डिसाइड करना है कि अपनी कौन सी प्रॉपर्टी प्राइवेट रखनी है या प्रोटेक्टेड रखनी है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक का? सो अभी हम एक बार प्रोग्राम में जाके देखते हैं जो हमने पिछले क्लास में, उसमें प्रोग्राम ने खुद ने अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ओके, इसीलिए वो क्लास अपने सभी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, आप अपना घर सोचो या अपने आप को सोचो, तो आप अपनी हर एक वस्तु यूज कर सकते हो, चाहे वो वस्तु प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो, बराबर। इसीलिए यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर हमारे पास दूसरा क्लास आया, क्लास टू बनाया हमने, और क्लास टू में हमने क्या किया यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, ये क्लास टू में हमने पहले वाले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखो, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डाटा को एक्सेस किया है। यहाँ पे भी आप प्राइवेट डाटा एक्सेस नहीं कर पाए हैं, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक कर सके हैं। तीसरा क्लास हमने बनाया, ये क्लास है हमारा इनहेरिटेंस वाला क्लास है। ओके, दिस इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यूज कर सकता है। देखिए, प्राइवेट मेंबर वहां पे भी एक्सेस नहीं होगा, पर प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर यूज होंगे। ओके, और ये वर्ड खास याद रखना है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है इसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। तो यहाँ पे माई प्रोग्राम वन जो है वो अपना डाटा माई प्रोग्राम थ्री को दे रहा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि माई प्रोग्राम थ्री नाम का जो क्लास है माई प्रोग्राम वन से डाटा मांग रहा है। ओके, कि मुझे ये दो वेरिएबल चाहिए, माई प्रोग्राम थ्री माई प्रोग्राम वन से डाटा मांग रहा है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, सो माई प्रोग्राम वन इज अ सुपर क्लास एंड ये जो माई प्रोग्राम थ्री है वो सब क्लास है। ओके, या हम कह सकते हैं कि माई प्रोग्राम वन इज अ बेस क्लास, माई प्रोग्राम थ्री द डिराइव्ड क्लास। तीसरा वर्ड यूज होता है जो जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है, माई प्रोग्राम वन इज अ पेरेंट क्लास, माई प्रोग्राम थ्री इज अ चाइल्ड क्लास। ओके, तो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास, या फिर बेस क्लास डिराइव्ड क्लास, या फिर सुपर क्लास एंड सब क्लास, जिसमें जावा सुपर क्लास वर्ड यूज करता है।
सुपर भी एक कीवर्ड है, जैसे एक बार हमने देखा था दिस इज अ कीवर्ड, जैसे सुपर एक कीवर्ड है, हमने यहाँ पे एक्सटेंड यूज किया है, ये भी एक कीवर्ड है, देखिए उसका कलर चेंज हुआ है, ओके ये भी एक कीवर्ड है। तो इस तरीके से हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बना सकते हैं, एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। जावा के जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा है, तो उसमें एक आता है एनकैप्सुलेशन, सॉरी पहले से शुरू करें तो एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई एक क्लास में जो वेरिएबल की जरूरत होती है उस वेरिएबल का लिस्ट बनाना या डिक्लेरेशन करना, तो वो एब्स्ट्रैक्शन हो गया। जब हमने कोई भी वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर किया है तो वो वेरिएबल हिडन हो जाता है, हाइड हो जाता है। ओके, वो हो गया हमारा एनकैप्सुलेशन। इवन प्रोटेक्टेड भी हाइड हो जाता है, तो कब हाइड होता है वो बताती हूँ। अगर मेरा एक क्लास है, जैसे हमारे प्रोग्राम में माई प्रोग्राम वन है, और मैंने माई प्रोग्राम टू या माई प्रोग्राम थ्री दूसरे पैकेज में बनाया, रिमेम्बर वर्ड पैकेज, समझो ये ए पैकेज है, ये बी पैकेज है, तो पैकेज का मतलब हुआ वो टोटली अलग हो गया। जैसे इस वक्त आप अपने घर में हो, अभी हम क्लास की जगह पे उसको पैकेज कंसिडर करते हैं, तो आपका घर एक पैकेज हुआ, मेरा घर दूसरा पैकेज हुआ। अब यहाँ पे आप मुझे कोई एक वस्तु देना चाहते भी है तो भी नहीं दे सकते है, क्योंकि हम डिफरेंट लोकेशन पे है। ओके, तो जब डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर भी यूज नहीं होते हैं, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। जब इनहेरिटेंस आता है, इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक चाहे कहीं पे भी हो एक्सेसिबल रहता है। सो ये बहुत सारा डिटेल में हो जाता है, पर उतना सारा डिटेल में नहीं जाना है, अभी फिलहाल इतना ध्यान में रहो, प्राइवेट मेंबर क्लास अकेला खुद यूज करेगा। ओके, पब्लिक मेंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू या विदाउट ऑब्जेक्ट, कोई भी तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्टेड मेंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू एंड इनहेरिटेंस के थ्रू अवेलेबल होंगे। इनहेरिटेंस क्यों, तो इनहेरिटेंस में आपने देखा कि वो विदाउट ऑब्जेक्ट भी डायरेक्टली एक्सेस हो रहा था, तो वो उसका पावर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल को अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करने की मेथड होती है। नॉर्मली हम वेरिएबल को प्राइवेट या पब्लिक ज्यादा डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक नहीं भी लिखा तो भी चलता है।